नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। नई शिक्षा नीति के तहत 4 वर्षीय ग्रेजुएट प्रोग्राम को लेकर बिहार सरकार और राजभवन के बीच में ठन गई है। शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अभी संभव नहीं है 4 वर्षीय स्नातक जो पाठ्यक्रम है उसे लागू कर पाना, तो वही राजभवन का आदेश है कि इसी वर्ष से लागू होना चाहिए। अब इस असमंजस की स्थिति में विश्वविद्यालय फंस गए हैं कि वो क्या करें। आपको बता दें कि 15 जून को शिक्षा विभाग द्वारा पत्र लिखा गया राजभवन में और फैसले पर पुनर्विचार को कहा गया कि संसाधन नहीं है, व्यवस्था करनी होगी, तैयारियां करनी पड़ेगी, तब 4 साल वाला प्रोग्राम जो है वो शुरू हो पाएगा। आपको बता दें कि 3 साल के ग्रेजुएशन पूरा कराने में ही बिहार के विश्वविद्यालयों की हालत निकल जाती है। 4 साल, 5 साल, 7-7 साल तक ग्रेजुएशन के कोर्स के सर्टिफिकेट जो है वो छात्रों को मिलते हैं। ऐसे में 4 वर्ष का ये नया प्रोग्राम करना यहाँ के विश्वविद्यालयों के लिए टेढ़ी खीर बन गई है, और यही कारण है कि शिक्षा विभाग जो है साफ साफ कह रहा है कि अभी संभव नहीं है, फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। आपको बता दें कि राज्य के विश्वविद्यालयों में इसी साल 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू कराने के मामले पर राजभवन और सरकार के बीच में ठन गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन असमंजस की स्थिति में है कि नियम की बात करें तो विश्वविद्यालय अधिनियमों के तहत पाठ्यक्रम सहित नीतिगत निर्णयों के मामले में राजभवन का ही आदेश लागू करने का प्रावधान है। सरकार के पास वित्तीय अधिकार है। राजभवन आगामी सत्र से ही विश्वविद्यालयों में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के तहत 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू करने का पक्षधर है। सरकार इसे लागू नहीं कराने के पीछे आधारभूत संरचना, शिक्षकों और कर्मचारियों की कमी का तर्क दे रही है। आपको बता दें कि शनिवार को शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, कुल सचिवों और प्राचार्यों के साथ बैठक में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स लागू करने पर सवाल खड़े किए। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, जो कि आप यहाँ पर देखिए चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर आप इस पुस्तक को लेते हैं पूर्णतः न्यू पैटर्न पर संपूर्ण स्टडी गाइड है, इसमें आपको संपूर्ण सब्जेक्ट का कवरेज मिलने वाला है। साथ ही साथ इसमें आपको 3000+ बहुविकल्पीय प्रश्न हल सहित मिलने वाला है। सफलता का 100% गारंटी है। 5 सॉल्व पेपर व्याख्या हल सहित मिलेगा। लेटेस्ट सिलेबस एवं पैटर्न पर आधारित यह पुस्तक है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है, क्योंकि इस पुस्तक में जो है खास बात यह कि 3000+ बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 सॉल्व पेपर आता है। अपनी तैयारी को इसके साथ ही अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इसी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आता है। दोनों बुक को लेने के लिए आप अपने नजदीकी मार्केट में जाकर ले सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट अमेजन पर उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फ्लिपकार्ट अमेजन पर, आप अभी ही जाकर मंगा सकते हैं। धन्यवाद। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों में इसे लागू कराने के लिए आधारभूत संरचना चाहिए। सरकार के लिए इसकी खातिर अतिरिक्त बजट का प्रावधान करना मुश्किल है। शिक्षा मंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि जब विश्वविद्यालयों में 3 वर्ष का स्नातक कोर्स 5 वर्ष में पूरे हो रहे हैं तो 4 वर्ष के स्नातक कोर्स 7 साल में पूरे होंगे। कला के साथ विज्ञान और विज्ञान के साथ वाणिज्य विषय की पढ़ाई पर भी मंत्री यह कहना है कि छात्र छात्राओं के ये हित में नहीं है। उन्होंने ये भी प्रश्न उठाया कि विज्ञान या कला किसमें छात्रों को विशेषज्ञता में होगी, इसमें छात्रों का रोजगार प्रभावित होगा। आपको बता दें कि 5 जून को नई शिक्षा नीति पर सेमिनार हुआ, 6 जून को राजभवन ने विश्वविद्यालयों को पत्र भेज 4 वर्षीय स्नातक कोर्स को एकेडमिक काउंसिल और सिंडिकेट से स्वीकृत कराने को भेजने के लिए कहा। और आपको बताएं कि शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव के पाठक ने 15 जून को राज्यपाल सचिवालय को पत्र लिखा, 4 वर्षीय कोर्स लागू कराने के विचार करने का आग्रह उन्होंने किया। आपको बता दें कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शनिवार को एक निजी न्यूज चैनल के कार्यक्रम में सेमेस्टर सिस्टम और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आधारित 4 वर्षीय स्नातक कोर्स को बिहार के छात्रों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि इसके तहत छात्रों को स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के लिए 3 वर्ष तक ही अध्ययन करना होगा। जो विद्यार्थी उच्चतर शिक्षा हासिल करना चाहते हैं या विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हैं या विश्वविद्यालय जहाँ उच्चतर शिक्षा के लिए स्नातक स्तर पर 4 वर्ष की शिक्षा आवश्यक है वहाँ प्रवेश पाना चाहते हैं तो इच्छानुसार 4वें वर्ष की पढ़ाई का विकल्प चुन सकते हैं। राज्यपाल ने यह भी कहा कि सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम पूरे देश में लागू है। बिहार में पटना विश्वविद्यालय में भी ये सिस्टम पहले से लागू है। इससे बच्चों की मेधा की पहचान बेहतर तरीके से की जा सकती है। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार जो है वो हाथ खड़े कर रही है, जबकि पूरे देश में ये जो सिस्टम है 4 वर्षीय स्नातक का वो लागू हो गया है। और
राज्यपाल महोदय ने ये बताया है कि इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं, लेकिन बिहार सरकार का कहना है कि इसके लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत होगी क्योंकि आधारभूत संरचना हमारे पास है ही नहीं, शिक्षक नहीं है, कर्मचारी नहीं है, स्कूल में बैठने की व्यवस्था करनी होगी और इसके लिए अतिरिक्त बजट है ही नहीं। आपको बता दें कि बिहार में इतना बड़ा जो बजट जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है और इसके बावजूद भी न शिक्षक हैं न कर्मचारी है, आधारभूत संरचना है ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि देश जहां 4 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम को लागू करके आगे बढ़ रहा है, बिहार अभी ही हाथ खड़ा कर रहा है, यानी कि बिहार के विश्वविद्यालयों की स्थिति पहले से ही खस्ता हाल है और नए प्रयोग भी नहीं करने के कारण और खस्ता हाल होते जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि बिहार के छात्र जो हैं, जो स्नातक लेवल पर पढ़ाई करने वाले हैं, वो पहले ही पायदान से पिछड़ना शुरू हो जाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ 4 वर्षीय कोर्स करने के लिए व्यवस्था ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। यही कहने का मतलब है शिक्षा मंत्री का कि हम नहीं चालू कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल का कहना है कि पूरे देश में व्यवस्था लागू है, विदेशों में पढ़ाई करने हैं तो उसके लिए भी ये जरूरी है, उच्चतर शिक्षा के लिए जरूरी है। ऐसे में कल को यह भी हो सकता है कि कुछ साल बाद जो देश के अन्य विश्वविद्यालय हैं वो अपने यहाँ हायर जो एजुकेशन होता है, जैसे पीजी हुआ, रिसर्च हुआ, उसके लिए अनिवार्य कर दे कि 4 वर्षीय स्नातक आपको होना चाहिए। ऐसे में बिहार के छात्र के लिए बाहर का रास्ता भी बंद हो जाएगा, यानी कि वो दूसरे विश्वविद्यालयों से भी जाकर उच्चतर शिक्षा हासिल करना चाहेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। और ऊपर से देखें तो बिहार की स्थिति ऐसी डमाडोल है कि यहाँ पर 3 साल के कोर्स 5-5 साल में पूरे होते हैं और शिक्षा मंत्री पहले ही कह रहे हैं कि ऐसा अगर हो गया तो 4 साल का कोर्स 7 साल में पूरा होगा। यानी कि कोई इच्छा शक्ति नहीं है बिहार के उच्च शिक्षा को सुधारने के लिए, ना ही अतिरिक्त बजट की बात की जा रही है, ना ही सेशन सुधारने की बात की जा रही है। हालांकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आने के बाद उन्होंने 3 महीने में शैक्षणिक सत्र को सुधारने का अल्टीमेटम दिया है, लेकिन ये कदम जो है वो हतोत्साह करने वाला है बिहार सरकार का। सरकार को अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करनी चाहिए और विश्वविद्यालय में आधारभूत संरचना का निर्माण करना चाहिए, शिक्षकों की भर्ती जल्दी जल्दी करनी चाहिए ताकि पटरी पर आ सके बिहार का विश्वविद्यालय सिस्टम। बहुत ही खराब स्थिति है और ध्वस्त होने की स्थिति में बिहार के विश्वविद्यालय आ गए हैं। आप कुछ दिन पहले ही देखे होंगे कि शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सूची जारी की गई 200 विश्वविद्यालय और कॉलेजों की अलग अलग, जिसमें बिहार के न एक कॉलेज थे न एक विश्वविद्यालय थे। कुछ संस्थाएं एम्स, आईआईटी जैसी थी जो कि केंद्र सरकार संचालित करती है। बिहार का एक भी संस्था जो बिहार सरकार के वित्त द्वारा पोषित हो वो उस सूची में नहीं था। और ऐसे में जब नया सिस्टम शुरू हो रहा है उसके लिए भी बजट का आप बात करोना रोते हैं, जबकि बिहार सरकार न जाने कितने चीज़ों में पुल, 1700 करोड़ का पुल गिर जाता है तो फिर दोबारा बनाने की बात की जाती है, लेकिन जो शिक्षा, उच्च शिक्षा जो गिरा हुआ है उसको उठाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है और आशा हम करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें हस्तक्षेप करेंगे और विश्वविद्यालयों की स्थिति को सुधारने के लिए, नए पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए, आधारभूत संरचना को विकसित करने के लिए वो फंड की व्यवस्था करेंगे, रिक्तियों को पूरा करेंगे ताकि बिहार के जो युवा हैं उनका भविष्य अच्छा हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।